ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां राजनीतिक कयासबाजियां हुई तेज। साथ ही बात होगी भिंड की, जहां चंबल के बीहड़ में लगी भीषण आग। और बताएंगे कैसे विदिशा में सूर्य भगवान को मनाने के लिए किया गया हवन यज्ञ। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से, जहां भाजपा के दिग्गज नेताओं का 72 लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी के लिए बार बार आने पर राजनीतिक कयासबाजियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों की माने तो बीजेपी को प्रत्याशी की हार की चिंता सता रही है। वही 72 लोकसभा क्षेत्र की जनता की माने तो बीजेपी प्रत्याशी को टक्कर देने वाला विपक्षी दल का प्रत्याशी बहुत मजबूत है, जो तनिक भी मौका मिले तो बटखनी दे सकता है। लोगों का कहना है कि मंत्री दयाशंकर और पूर्व मंत्री नारद राय क्या लगा सकते हैं बेड़ा पार, या बीजेपी प्रत्याशी का हो जाएगा जय श्री राम। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। खबर भिंड से, जहां चंबल के बीहड़ में लगी भीषण आग। आग ने विकराल रूप ले लिया। बता दें भीषण गर्मी के चलते चिलौगा गांव के बीहड़ में आग लग गई। बता दें कि गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हवा का रुख बदलने से तेजी से फैल सकती है बीहड़ में आग। ग्रामीणों को सता रही चिंता चिलौना चिलौगा गांव की घटना है। सुरपुरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। लातेहार जिले के बालूमाथ इलाके के बालूमाथ में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की एक शाखा में फर्जी तरीके से बाउचर पर अंगूठा लगाकर एक व्यक्ति के खाते से लाखों रुपए निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित जंगली गंजू का कहना है कि उसके साथ ऐसे 2016-17 में हुआ है, पर इस पर उसने बैंक मैनेजर से शिकायत की तो उन्होंने बताया कि उनके बैंक खाते से 18 लाख रुपये अंगूठे के माध्यम से बाउचर भरकर बैंक टू बैंक ट्रांसफर किए गए हैं। बालूमाथ थाना प्रभारी विक्रांत कुमार उपाध्याय ने कहा इस मामले पर पीड़ित जंगली गंजू के द्वारा 27 मई 2024 को आवेदन मिला। ये मामला 2016-17 का है, जो बैंक खाते से पैसा ट्रांसफर का मिला है। निष्पक्ष रूप से जांच की जा रही है। गलत पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मोहन कुमार गंजू है। तो हम उस टाइम जिस टाइम पैसा आया था उस टाइम हम घर में नहीं थे, तो उसी टाइम लेकर के पिताजी को लेकर के बैंक में लेकर गया। अब कहीं बोलते तो उसको भी पता नहीं है पिताजी का। जब हम बैंक गए चेक करवाया तो पैसा है ही नहीं है इसका खाता में। दो बार देखने के ट्रांसफ़र हुआ, दो बार। एक बार 16 लाख और एक बार 2 लाख फिर हुआ उस, तो दोनों मिला के 18 लाख हो गई। धोखेदारी में कर लिया अपना खाते में ट्रांसफ़र हुआ। पैसा मांगने पर हम 3-4 बार मार बिटिन भी किए, मुखिया के साथ में भी किए, तो बोला कि नहीं थोड़ा थोड़ा करके हम पैसा हम रिकवरी कर देंगे। और उसके बाद में फिर इधर कहने लगा कि नहीं जहाँ भी जाओ हम नहीं देंगे पैसा वैसा। इधर उधर छल कपट करने लगा। फिर उसके बाद फिर हम थाना में रिपोर्ट दिए। थाना वाला फिर एक वहाँ भी 1-2 दिन रखा उसका। फिर वहाँ बोला कि जमीन वहाँ देंगे, लिख देंगे जमीन। अभी जमीन अभी तक जमीन नहीं बताया है, नहीं अभी तक लिखा है। अभी तक ट्रांसफर एक बार 16 लाख हुआ है, एक बार फिर 2 लाख हुआ है ग्रामीण बैंक है। मेरा विनोद कुमार है, उसका बड़ा बेटा हूँ मैं। उसका सेमरसौद घर पड़ता है और उसका पिताजी का स्वर्गीय जगन गंजू मोहन कुमार गंजू है वो। जंगालीगंज शुरू से थे कहीं नहीं, तो हम तो अनपढ़ थे। तो हम एक दो बार उन लोग पैसा निकाल दिया थोड़ा मोड़ा, शादी ब्याह बाज रहे थे तो वैसे निकाल दिया। तो वह भवक में उन लोग बस केवासी करके ले गया, तो बस उन लोग हमको ठेपा दिया। हम अनपढ़ थे तो हम जाने नहीं पाए कैसे, अगर हम ठेपा दे दिए तो उन लोग अपन ख़त्म ट्रांसफर करके कहाँ ले जाए ऐसे हमको पते नहीं चला। मोहन कुमार हैं, रेलवे का जमीन दिया था, उसको मुआवजा मिला था। आपस में थोड़े दिन बोला कि ये देंगे, तो बाद में जमीन के बात किया कि जमीन लिख देंगे। थाना बमना हुआ तो कहा कि ये जमीन लिख देंगे, वो नहीं कर रहा है। अब है कि नहीं है से अब वो नहीं कर रहा है तो
नहीं है, वो बताया अभी तक मुझे साल भर हो गया, उसको जी ने बताया जी था। हम नहीं जानते हैं तो वो नहीं ना, अभी तभी अभी हाल फिलहाल जिम्मे नहीं कर रहे हैं अभी, थाना पुलिस वक्त आपसे हम वहाँ उनको लाली छोड़ दिया जाने वाले, कागज का चका दिया इनके लातेहार से, और बस वही बस वह ऐसा देख रहे हैं देवे किया तो कुछ करेगा, वह चलते कुछ नहीं कर रहा है। एक होना निकाला 17 लाख 16 एक होना 16 निकाला और 1002 निकाला 2 लाख टोटल था हमारा पैसा था 32 लाख। अब वो गायब कर दिया। बालूमात से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के सराय ममरे थाना क्षेत्र के चंपापुर स्थित एसएमडी कॉन्वेंट स्कूल के सामने बने डबल ब्रेकर से कई राहगीर चुटहिल हो गए, तो वहीं राहगीरों ने अपनी जान गंवा दी है। देर शाम पिंटू वनवासी किसी काम से जंघई की तरफ जा रहा था। चंपापुर स्थित एसएमडी कॉन्वेंट के सामने बने डबल ब्रेकर से गिरकर युवक घायल हो गया। सराय ममरे पुलिस ने घायल युवक को प्रतापपुर सीएससी भेज दिया है। युवक की हालत को गंभीर देखते हुए युवक को जिला अस्पताल भेज दिया गया। युवक झूंसी पहुंचाई था कि उसके प्राण प्रखेड़ू उड़ गए। मृत युवक के परिजनों ने अनवा रोड को जाम कर अपनी मांग पर अड़े रहे। सराय ममरेज पुलिस के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार एवं जेई भी पीड़ित परिजनों को समझाते रहे, लेकिन पीड़ित मानने को तैयार नहीं। सारे जिम्मेदार अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए मामले में लीपापोती करने में लगे हुए हैं। आखिर बेगुनाह पिंटू वनवासी की मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिर कब चलेगा ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर शासन प्रशासन का हंटर? प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रण विजय की रिपोर्ट। विदिशा से है, जहां बता दें कि पूरा देश हमारा प्रदेश और विदिशा भीषण गर्मी से झुलस रहा है। सृष्टि के जीव जंतु और मानव जाति पर इस गर्मी के चलते संकट आ गया है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार सनातन काल से ही यज्ञ हवन की परंपरा चली आ रही है। हमारे ग्रंथ और मान्यताओं के अनुसार ऐसी विपरीत परिस्थितियां निर्मित होने पर हम भगवान की शरण में जाते हैं, उन्हें मनाते हैं। बस इसी जन कल्याण के उद्देश्य से आज से हम बांग्लाघाट भगवान भोलेनाथ के स्थल पर भगवान सूर्यदेव को मनाने के लिए प्रभु उनकी कायनात पर इस सृष्टि पर कृपा कीजिए, सूर्यदेव अपना प्रकोप कम कर लीजिए। इस उद्देश्य से हवन यज्ञ अनुष्ठान किया गया और सूर्य देवता से प्रार्थना कर विनती की है कि सूर्यदेव जी अपना प्रकोप कम कर लीजिए। आइए जानते हैं इस विषय में नगरवासी विदिशा विवेक सिंह ठाकुर का क्या कुछ कहना है। देखिए, आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी है, मतलब त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग जो हैं अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। पारा जो है 46-47 डिग्री पहुंच गया है। तो हमने आज बंगला घाट पर सूर्य देवता को मनाने के लिए हमने आज हवन और यज्ञ किया है, उनको मनाने के लिए कि हे सूर्य देवता, आप अपना प्रकोप कम कर लीजिए। समस्त जनजीवन मानव जो है अस्त व्यस्त हो गया है, लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में सनातन काल से ही यज्ञ के लिए बहुत माना गया, इसलिए आज हमने मंगला घाट पर अभिषेक करने के बाद यज्ञ किया और भगवान से प्रार्थना की है, सूर्यदेव भगवान से, कि आप अपने प्रकोप को कम कर लीजिए ताकि लोग जो है वो थोड़ा सा सुकून महसूस कर सकें। आप देख रहे हैं कितनी भीषण गर्मी है, त्राहिमाम मचा हुआ है चारों तरफ इस गर्मी के लिए। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।